लगे आप जैसा कि जहाँ पे हम लोग वीडियो बना रहे हैं, तो लोकेशन से अगर आप पीछे देखते होंगे तो हिरण्य पर्वत आपको दिख रहा होगा। तो ये हिरण्य पर्वत पर भी सर मैंने आपका एक वीडियो देखा था, इसका जो फाइनेंसिंग वाल है उसको लेकर के आपने एक बार आवाज़ उठाया था, शायद समय हो गया 6 महीना साल भर पहले। तो उन सारे चीज़ों को भी अगर हम देखें तो जो चारों तरफ जो लोहे की बाउंड्री की गई है तो वो कहीं ना कहीं आज दयनीय स्थिति में है, वो जंग खा रही है और वो पूरी तरह से जर्जर हो गई है। उनके लिए सर मैंने आपको देखा था, एक छोटे से क्लिप में आपने वीडियो बनाकर आवाज़ उठाया था, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या उसको फिर से रिफंड करके उसको फिर से रिकंस्ट्रक्ट करना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? जैसा कि नीचे आप देख रहे होंगे कि एक नया पार्क बनने जा रहा है, तो क्या पुराने को मतलब समाप्त करके नया बनाना अच्छा है कि नए पुराने को भी रिपेयर करना चाहिए? सर अच्छा बात है कि नया पार्क बन रहा है, बहुत खुशी की बात है कि बिहार शरीफ में कुछ नया नया चेंजिंग आ रहा है। लेकिन क्या है कि जो पुराने वाले पार्क में जो इन्वेस्टमेंट हुआ, जो ठेकेदारी हुआ, ठेकेदार तो पैसा कमा लिए, ठीक है, ठेकेदार के पास पैसा भी चला गया, पार्क बन भी गया, लेकिन आज क्या है कि उस पार्क को ठीक से रिपेयर नहीं किया जा रहा है। यानी जनता का पैसा सरकार के पास जाता है टैक्स के रूप में, सरकार जनता के वेलफेयर के लिए काम करती है, आज देख रहे हैं कि जो जनता के लिए जो पार्क बनाया गया है उसको फिर से रीस्ट्रक्चर नहीं किया जा रहा है। बहुत कम ही पैसे में उसको रीस्ट्रक्चर, उसको मेंटेन किया जा सकता है, जो पार्क, जो पहाड़ हिरण्य पर्वत पे जो है। लेकिन आज देख रहे हैं कि बहुत बार से आवाज़ उठाया जा रहा है, कई लोगों ने आवाज़ उठाया लेकिन उस पर काम नहीं हो रहा है। आप देखिए उसका क्या स्थिति है। और जो बैरिकेटिंग है, बैरिकेटिंग बिल्कुल कहीं कहीं पर टूट गया है, पब्लिक इधर आ जाते हैं, जो पब्लिक के लिए सेफ नहीं है, कई बच्चे आ जाते हैं जो मतलब कि खतरनाक डेड लाइन पे क्रॉस कर जाते हैं। तो ये बहुत ही चिंतनीय विषय है और इसको हमको लगता है कि नगर निगम को और जिला प्रशासन को सोचना चाहिए। तो ये तो लगभग शहर के मुख्य समस्याएं थी जिन पे